अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति ही। जहां पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे छात्राः विद्यालये पठन्ति, यानी बच्चे या छात्र पाठशाला में पढ़ते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है में या पर। दूसरा उदाहरण है, कक्षायां बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति, यानी कक्षा में बच्चे शोर मचाते हैं। विहगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, यानी पक्षी वृक्षों पर ठहरते हैं। तेषां शावकाः नीडयोः वसन्ति, यानी उनके बच्चे घोंसलों में रहते हैं। पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति, लोग पर्वत पर जाते हैं। आकाशे मेघाः गर्जन्ति, आकाश में बादल गरजते हैं। मीनाः जले तरन्ति, मछली पानी में तैरती है। कच्छपः मकरः च अपि जले वसतः, कछुए और मगरमच्छ भी पानी में रहती है। खगाः आकाशे उड्डयन्ति, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति, नगरों में अनेक वाहन चलते हैं। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, मेरा घर दिल्ली शहर में है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, यानी उद्यानों में यानी बगीचों में वृक्ष होते हैं। भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्त देवों को मंदिरों में पूजा करते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति, मित्र बगीचे में घूमते हैं। यूयं पुस्तकालये पुस्तकानि पठत्, यानी तुम सब पुस्तकालयों में यानी लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ते हो। सरोवरयोः कमलानि विकसन्ति, तालाब में या सरोवर में कमल खिलते हैं। लतासु पुष्पानि सन्ति, बेलों में फूल है या फूल होते हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon to stay updated. Your comments and suggestions are valuable to us.